नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी विसरे खाना पीना जी जद ओ बंदगी कर देने मिठे बोल पैगंबर दे जी पौना विच तर देने ओ विसरे खाना पीना जी जद ओ बंदगी कर देने मिठे बोल पैगंबर दे जी पौना विच तर देने चांदनी चौक च होई जो फतेह की सांझ नाल एक नवे सवेरे की शुरुआत। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े परे मन नाल धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहादत के इतिहास के अध्याय दूजे नू यानी कि चैप्टर टू नू अज असी शुरू करन जा रहे हैं। गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहब तो 9 किलोमीटर का सफ़र तय कर आज उस स्थान पर पहुँचे है जिन्हों गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब दे नाम तो जाने जाता है। बाहें जिन्हों की पकड़िए सिर दीजे बाहें ना छोड़िए। मेरे पिता धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जिहड़े कश्मीरी पंडितों की बाँह फड़ी वो आखिरी दम तक नहीं छड़ी। शीस उन्हों का कलम कर दिता गया। शीस ते तड़ दोनों गुरुद्वारा शीशगंज साहब दे बार उत्थे पिया रहा। सवेर तो शाम हो गई कोई नेड़े नहीं आंदा सीगा। किसी दी जरूरत नहीं पैंदी सी कि महाराज दे शीस या तड़ दा संस्कार कर सके। इन्नी दहशत सीगी उस वक्त। ते उसी वक्त एक ऐसी घटना वापरी जिदे विच भाई जैता जी महाराज का शीस लै छुपदे छुपांदे आनंदपुर साहब वल चाले पा गए। तो भाई लखी शाह वंजारा जी महाराज का तड़ लै के इस स्थान के उत्ते पुजदे ने। यह बड़ा डूंगा इतिहास है जिन्हों जानन वास्ते सब तो पहले भाई लखी शाह वंजारा जी के इतिहास में जानना भी जरूरी है। बहुत कुछ है आखण वास्ते, बहुत कुछ है आप जी नूं दसण वास्ते। यह सारा कुछ अज दे एपीसोड विच आप जी नाल असी सांझ पावांगे। ते उस तो पहले जाके गुरु साहब दे इस स्थान दे उत्ते जिथे उन्हां दी देह दा संस्कार होया जाके अरदास करने आ, मत्था टेकने आ, उपरांत आप जी नाल बैठ के यह सारा इतिहास सांझा करांगे। आप सारे दर्शकों का जिहड़े कि है साडा प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर वेखदे हैगे हो साडे यूट्यूब चैनल ते ते नाल पीटीसी सिमरन दे उत्ते रोज़ उन्हां सारयां दा दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। ते जी आयां नूं आप दे सहयोग दे बिना यह सारा प्रोग्राम यह सारी यात्रा मुमकिन नहीं सीगी। गुरु साहब दी बख्शिश तां हुंदी ही है लेकिन संगत दा भी सहयोग चाहिदा हुंदा है। सो आप सब दा एक बार दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ चलिए अंदर मत्था टेकिए, उपरांत आप जी नाल इतिहास साझा करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी राख ले हो राख ले हो भगवान
तेरे मन ओट ले हो हर नाम रे मन ओट ले हो हर नाम जा के सिमरन दुर मत नास है जाके सिमरन दुर मत नास है पावे पद निर्वाणा रे मन ओट ले हो हर नाम रे मन कट सिमरन राम को सोनर मुक्ता जे कट सिमरन राम को सोनर मुक्ता जा तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मां तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मां एक भगत भगवान जिह प्राणी कै नाहि मन एक भगत भगवान जिह प्राणी कै नाहि मन जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं मित रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं मित नानक एह विद हर पजो एक मन हो एक चित नानक एह विद हर पजो एक मन हो एक चित तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान नानक नेह फल जात तहें ज्यों कुंचर इशना सिर कंप्यो पग डगमगे नैन ज्योत तेरी सिर कंप्यो पग डगमगे नैन ज्योत तेहीन कहो नानक एह विद पई कौन हर रसलीन कहो नानक एह विद पई कौन हर रसलीन निज कर देखे ओ जगत में को कहूँ को ना है निज कर देखे ओ जगत में को काहू को ना है नानक थिर हर भगत है तेह रखो मन माहे जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत जग
सोचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कह नानक थेर नार है ज्यों बालू की भीत। राम गयो रावण गयो जाको वह परवार। राम गयो रावण गयो जाको वह परवार। कहो नानक थेर कछ नहीं सुपन ज्यो संसार। आओ तनु पहले दसने आ गया भाई लखी शाह वंजारा जी का इतिहास। यह स्थान लखी शाह वंजारा जी का किसी जमाने विच उन्हां दा घर होया करदा सी। भाई लखी शाह वंजारा दिल्ली दे एक बहुत ही अमीर व्यापारी सी, ऐसा इतिहासकार दसदे ने। ते उन्हां दा जन्म 4 जुलाई 1580 मुजफ्फरगढ़ जिहड़ा कि इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान दे विच है, उत्थे दे पंजाब विच उत्थे होया सी। उन्हां दे पिता दा नां सी भाई नायक जी ते माता दा नां सी गोदू जी। दिल्ली दे विच उस वक्त 4 इलाके होया करते सी। वो इलाके सन मालचा, रायसीना, बहारकंबा ते नरेला। ए सारे स्थाना दे भाई लखी शाह वंजारा जी मालक सीगे ते उन्हां दा व्यापार बड़ी ही चढ़दी कलावां ते सी। भाई लखी शाह वंजारा मुगल सेना दे एक बहुत बड़े सप्लायर सी, उन्हां नूं माल सप्लाई कीता करते सीगे। मध्य एशिया तो उन्हां दा व्यापार सीगा, वो आयात भी करदे सी ते निर्यात भी करदे सी, यानी कि इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट दा काम उन्हां दा सीगा। समान उत्थों आंदा सी, हिंदुस्तान तो समान उत्थे जांदा सीगा। ते उन्हां दी औरंगजेब दे दरबार विच काफ़ी अच्छी पैठ सी ते बड़ा अच्छा पद्धर ते वो व्यापार औरंगजेब दे नाल करदे सी। वो मुगल सेना लई काठी, चूना, पत्थर, सूत, चूने दा पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोआक्साइड, इस तरह की बतेरी चीज़ा उन्होंने वेचते सीगे। उन्होंने को अपने समान के व्यापार लई बहुत सारे लोग मौजूद सन। उस समान एक जगह तो दूजी जगह लैके जाने लई बड़ी गिनती दे विच बैल अते गड्ढे भी उन्होंने रखे हुए सी। इतिहासकार दसते हैं कि उन्होंने दादा भी जिन्हों का नाम नायक ठाकुर सी, वो अकबर के शासन काल तो मुगल फौज के नाल जुड़े हुए सी ते व्यापार करते सन। उन्होंने व्यापार नाल बहुत सारे लोगों के रोज़गार जुड़े हुए सन। भाई लखी शाह वंजारा जी ने तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के सिखा ते नाल अपने पुत्र नगीए नाल चांदनी चौक विचों गुरु साहब के धर की बेअदबी होने तो बचाया, यह जग जाहिर है। जिस वक्त तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहीद किया गया, यानी कि उन्हों का धड़ सीस नाल जुदा किया गया, तो उस वक्त आखते ने कि एक बड़े जोर की अनेरी आई। कुछ लोगों का यह कहना हैगा कि वो अनेरी भाई लखी शाह वंजारा दे 500 गड्ढिया दे द्वारा आई। वो 500 गड्ढे जिहड़े कि वो औरंगजेब दे दरबार विच सूत सप्लाई करन तो बाद वापस जा रहे सी अपने घर रकाबगंज। रकाबगंज एक छोटा जिहा पिंड हुंदा सी उस वक्त इत्थे, जिहड़ा कि रायसीना दी पहाड़ियां ते हुंदा सी। ते उन्होंने उस मौके का फायदा चुकिया ते वो गड्ढिया दे विच चुपके नाल महाराज के धड़ नूं साम लिया ते लै के बड़ी हिफाजत दे नाल वो इस स्थान दे उत्ते पुजदे ने जिथे असी इस वक्त खलोते हैगे आ, यानी कि रकाबगंज। औरंगजेब का खौफ इन्ना ज़्यादा सी, लोग इतने डरे हुए सी कि सवेर तो लैके शाम तक महाराज का धड़ ते सीस उस स्थान ते पिया रहा ते किसी की जुर्रत नहीं हुई उस सीस नूं या धड़ नूं उत्थों हटा के ले जाण दी। भाई लखी शाह वंजारा जी ने एक बहुत बड़ा जोखिम मोल लै उन्हां दे धड़ नूं ओह लै के अपने घर पुजदे ने। खुले आम देह का संस्कार नहीं किया जा सकता सीगा, इस करके उन्होंने अपने घर के विचों विच महाराज के शरीर नूं सुशोभित किया ते उत्थे ही उन्हां दा अंतिम संस्कार किया ते अपने घर नूं अग लगा दित्ती। पूरा घर तू तू करके जलन लग गया ते सवेरे जिस वक्त उन्होंने महाराज दियां अस्थियां उत्थे एकत्र कीतियां ते इतिहासकारां दा कहना हैगा कि वो अस्थियां उन्होंने जिहड़ा अंगीठे दा स्थान सी उहदे थले ही दबा दित्तियां
तो कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि उस वक्त उन्होंने एक मोहर भी दबी सी जिड़ी कि अज इस गुरद्वारा साहब के पौरा साहब के विच देखण नूं मिलती है। हुण वो कितना प्रमाणिक है कि यह मोहर उ है कि नहीं, यह शोध का विषय है। लेकिन एक मोहर सोने की गुरद्वारा श्री रकाबगंज साहब के जिथे प्रकाश होया है उदे थले पौरा साहब के विच सुशोभित है, जिदे आप जी ने आज दर्शन भी किए। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन शरीर का संस्कार करने तो बाद दिल्ली में भाई लखी शाह बंजारा की मौत हो जाती है, तो उसके बाद उन्होंने पुत्र भाई हेमा भाई नगीहा जिड़े कि गुरु जी के धड़ चुकन समय अपने पिता के नाल मौजूद सन, जिड़े कि अगे चल अमृत छक भाई जवाहर सिंह बने। अतः भाई हरिया जी तो बीबी सीतो जी वो बाद अमृत छक के बीबी बसंत कौर जी बन गए। भाई हेमा जी तो भाई हरिया जी के गुरु गोबिंद सिंह जी के वेले अमृत छकण के बाद वाले नामा दे किथे भी कोई जिक्र इतिहास देखण नूं नहीं मिलता। सिर्फ भाई नगिया जी तो बीबी सीतो जी का इतिहास अमृत छकण का इतिहास में देखण नूं मिलता है। बाद विच वो दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नज़दीकी साथी भी बने, ऐसा इतिहासकार दसते हैं। सन 1700 तो लैके सन 1704 ईस्वी तक भाई हेमा जी भाई नगिया जी और भाई हरिया जी आनंदपुर विखे मुगलों खिलाफ युद्ध करते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के सहयोग करते शहीद होए, यह भी इतिहास में दर्ज है। बाद विच इतिहास मुताबिक भाई लखी शाह बंजारा के पोतरे भाई अगराज सिंह ते भाई फराज सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की सेना विच भी भर्ती होए ते उन्होंने भी शहीदियां प्राप्त कीतियां। कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि भाई लखी शाह बंजारा जी का भाई मखण शाह लुभाणा जी नाल भी पारिवारिक संबंध सी, जिदा कि सानू किथे इतिहास दे विच कोई प्रमाणिक रूप विच कोई पढ़न नूं या देखण नूं ऐसा कोई लेख नहीं मिलिया। ऐ सीगा भाई लखी शाह बंजारा जी का इतिहास जिहड़ा कि उन्होंने धर्म की चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शरीर नूं उन्हां दे धड़ नूं बेअदबी होण तों बचाया ते इत्थे आ के उन्हां दा संस्कार कीता। हुण तुहानूं दसणे हैगे आ कि यह स्थान जिथे असीं खलोते हैगे आ यह गुरद्वारा साहब कदों बनिया ते किस तरीके नाल बनिया। इस तों उपरांत सिख मिसलां दे जमाने दे विच जदों करोड़ सिंघियां मिसल दे जथेदार बाबा बघेल सिंह जी ने 1776 दे विच दिल्ली फतेह कीती ते उन्हां ने सारे इतिहासिक स्थानां दीआं निशानदेही कीती ते उत्थे गुरद्वारा साहब सुशोभित कीते। जदों मुगलां नूं पता चलिया कि इत्थे गुरु जी दे धड़ दा संस्कार कीता गया सीगा ते उन्होंने इत्थे एक मस्जिद का निर्माण करवा दिता। जदों बाबा बघेल सिंह जी ने इस स्थान दे उत्ते एक यादगार स्थापित करन लई कहा ते इत्थों दे मुसलमानां ने इस गल दा विद्रोह कीता अते मस्जिद नूं ढाहण तों मना कर दिता। बाबा बघेल सिंह जी ने मुसलमान वीरां नूं इस महानता के बारे समझाया पर उन्होंने बाबा बघेल सिंह जी ते यकीन ना किया ते इस गल की पुष्टि करन लई कोई सबूत मंगया। मुसलमानों ने आख्या कि जेकर तुहाडे कोलों कोई सबूत है तो असी इस स्थान नूं छड्डन लई तैयार हाँ। इतिहास गवाह है कि जदों उस वेले स्थान की खुदाई करवाई गई तो इतों अस्सियां वाली एक गागर निकली जो भाई लखी शाह बंजारा ने इत्थे दबाई सी। फिर बाबा बघेल सिंह जी ने अपने सिंघां दे नाल उस गागर नूं उत्थे ही दबा के उस स्थान की निशानदेही कर दिती। कुछ इतिहासकारां दे मुताबिक इस पावन स्थान की निशानदेही करन लई जिस मस्जिद नूं ढाया गया सी बाबा बघेल सिंह जी ने सारे धर्मां दा सत्कार नूं मुख रखदिआं होइआं इत्थे नेड़े ही मुसलमान वीरां लई एक होर मस्जिद का निर्माण भी करवाया सी। फिर भारत विच 1857 दे विद्रोह दे बाद सिख रियासतां दे उद्दम नाल इस जगह उत्ते पक्की पत्थर की सड़क उसार दिती गई। फिर सन 1914 विच अंग्रेज सरकार ने भारत की नवी राजधानी उसारी करन लई नवीं इमारतों के निर्माण लई रकाबगंज की इस चार दीवारी नूं तोड़ दिता, जिसके कारण पंथ विच गुस्से की लहर दौड़ पई ते काफ़ी यत्नों तो बाद अंग्रेज सरकार ने तोड़ी ही दीवार नूं फिर खड़ा किया। तो बाद विच सिख संगता दे समूह सहयोग नाल तन मन धन दे नाल सेवा पा के इस मौजूदा इमारत का निर्माण किया गया। यह गुरद्वारा साहब संसद भवन के बिल्कुल ठीक सामने हैगा, एक सोहना गुरद्वारा साहब काफ़ी एकड़ा दे विच फैलिया हुआ। इत्थे 41 कमरे भी ने संगतां दे रहन वास्ते, एक बहुत वड्डा लंगर हाल जिथे कि विआह शादियां भी होंदियां ने सिख बच्चियां दियां जिहदा नां लखी शाह बंजारा हॉल है, वह भी इत्थे सुशोभित है। तो नाल ही दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का
दफ्तर भी इत्थे मौजूद है जिहड़े कि सारे इतिहासिक गुरद्वारा साहब का इत्थों संचालन करता है। यह सीगा तन तन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल जुड़िया हुआ इस स्थान का पूरा इतिहास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्राणी राम ना चेतई मद माया के अंग प्राणी राम ना चेतई मद माया के अज दे एपीसोड विच आप जी ने दर्शन किए धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे उस इतिहासिक स्थान दे जिथे उन्हां दी देह दा संस्कार किया गया। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे शरीर दे अंतिम संस्कार होने तो बाद भाई लखी शाह वंजारा जी दे पुत्र ते ओ आप जांदे ने गोबिंद राय जी नूं मिलन वास्ते आनंदपुर साहब। वो इतिहास भी आप जी नूं अगे श्रवण करावांगे। तो इतों दूजे पासे भाई जेता जी महाराज का सीस लैके वह भी आनंदपुर साहब रवाना हो जाते हैं। कल तो जेडे एपीसोड आप जी वेखोगे वह होणगे भाई जेता जी दे नाल दिल्ली तो लैके आनंदपुर साहब की सीस यात्रा दे। कल आप जी नाल फिर मुलाकात होएगी। तद तक आप इस तरह ही साडे नाल बने रहो ते देखते रहो साडी ये यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। साडे यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर ते नाल ही PTC सिमरन दे उते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस दी सिफत इलाही है ओ नवी पातशाही है जेड़ा हिंद दी चादर है।